अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के पूजित अक्षत का वितरण पूरे देश में शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सिवान जिले के सरावे गांव में भी अक्षत का पूजन और वितरण का कार्यक्रम हुआ। गांव के सिमराही मंदिर में अक्षत का पूजन करने के बाद गांव के सभी घरों में अक्षत बांटा जाएगा और 22 तारीख को मंदिर में राम जन्मभूमि उत्सव मनाने का आमंत्रण भी दिया जाएगा। गांव के लोगों ने बताया कि यह अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम अयोध्या के राम मंदिर द्वारा निकाला गया है, जो कि देश के सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में पूजन होने के बाद सभी घरों में बांटा जाना है। अक्षत के साथ राम मंदिर की तस्वीर भी लोगों को दी जाएगी। इससे राम भक्तों को अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं है और वे अपने घरों में ही राम का भव्य स्वागत कर सकते हैं। गांव के राम भक्तों का कहना है कि वे इस शुभ घड़ी का जमकर उत्सव मनाएंगे और राम की भक्ति में लीन होंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उनके लिए एक सपना था जो अब साकार हो रहा है। वे राम लल्ला के लिए अपनी पूजा और आरती करेंगे और उनकी कृपा का आशीर्वाद लेंगे। इस कार्यक्रम में गांव के उपेंद्र सिंह, रामचंद्र पांडे, अमित सिंह, ऋषभ और सैकड़ों लोग शामिल हुए। गांव की महिलाएं भी इसमें काफ़ी उत्साहित दिखीं। पूजन के बाद जय श्री राम के नारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समस्त देवी देवता के मैं आराधना करते हुए, हनुमान जी महाराज की आराधना करते हुए इस कलश का यहाँ पूजन किया विधिवत, और कलश का मंगलवार से या पॉलिथीन में भरकर, छोटा छोटा पॉलिथीन में भरकर कल उसमें सब नगरवासियों पंचायत भर उसमें कल कसैली दूब का फूलगा और फूल मिलाकर अक्षत मिलाकर हम अपने हाथ से दरवाजे दरवाजे पर सब कोई के दरवाजे पर देंगे। यह बड़ी आशा थी, हमें बहुत हृदय प्रफुल्लित हुआ कि हमारे ये कार्य हनुमान जी महाराज और भगवान अपने आज तक टेंट में रहते थे और हम लोग छत में रहते थे। बड़ा वहाँ अयोध्या गैला पर बड़ी दुख होत रहा, लेकिन प्रभु के कृपा और सब हिंदूवासी के कृपा सब कोई के कंठ में सरस्वती माता लक्ष्मी माता समा के आई काम के सफल बनौनिया। ऐसे सब देवता गण के हम प्रणाम करतानी, हाथ जोड़ के गांव नगर हिंदू समाज के प्रणाम करतानी कि सब कोई एमे शामिल होके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, मंगल करण हनुमान जी महाराज की, समस्त देवी देवता की, नगर बस्ती की, सनातन धर्म की, विजय की डंका बजते रहे। आज हम बहुत खुश हैं कि राम जी हर एक घर में पदार्पण करने वाले हैं, साथ ही इस सनातन धर्म की विजय हुई है। आज तक हम लोग घर में वास करते थे, हम मेरे भगवान समियाना टेंट में वास करते थे, आज प्रभु हम लोग के गृह में प्रवेश करेंगे और अयोध्या धाम में उनका आसन ग्रहण होगा। जय जय सीताराम, जय श्री राम। हिंदू और एक भारतीय के लिए कितनी बड़ी बात है ये, खुशी का हम लोग का ठिकाना ही नहीं है। इतने खुश हैं कि हम लोग के मैंने जिंदा रहते ही अहो भाग्य है कि हम लोग का ये राम मंदिर बन गया, प्रभु का हम लोग का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। उल्लास के साथ हम लोग ये राम मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है इसके लिए हम लोग बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं
और सरावां ग्राम के नगरवासियों की तरफ से जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये बहुत हर्ष उल्लास का बात है कि 22 तारीख को भगवान का प्रकट हो रहा है, इसमें बहुत खुशी हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या से अक्षत का निमंत्रण आया है, अयोध्या से अक्षत का निमंत्रण आया है, उसको गांव में बंटवाया जाएगा और 22 तारीख को यहां खीर पूरी सब्जी का सभी लोगों को खाने के लिए व्यवस्था किया गया है। इसी बात को कहते हुए सभी लोगों को हम आमंत्रण करते हैं कि सभी लोग आवें 22 तारीख को और मंदिर पर एक जुलूस निकाला जाएगा। जय श्री राम। अशोक कुमार सिंह सरावें।